एसपीएनआई न्यूज, एसपीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार। जब से खेल मंत्रालय ने यहाँ पर WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया है, उसके बाद से पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं, अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब एक और बयान से उन्होंने तहलका मचा दिया है यहाँ पर। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर चर्चा पर चुप्पी तोड़ दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने रेसलिंग और पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है। और बृजभूषण ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात पर कहा कि मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कल कह दिया, मैंने कुश्ती और कुश्ती से जुड़ी राजनीति से संन्यास ले लिया है। जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात है, भले ही हम मिले लेकिन मैं कुश्ती पर चर्चा नहीं करूंगा, एक शब्द भी कुश्ती पर नहीं बोलूंगा, ऐसा कहते वो नजर आए हैं। दरअसल हाल ही में बृजभूषण सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कहा कि मैं उनसे मिला तो मैं कुश्ती पर चर्चा नहीं करूंगा, संजय सिंह को अपना काम करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, कुश्ती का मामला सरकार और निर्वाचित महासंघ के बीच है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही नवनिर्वाचित WFI अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक भी लगा दी है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को नंदिनी नगर गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन संजय सिंह के अध्यक्ष बनने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। मालिक ने तो अपने खेल से संन्यास की भी घोषणा कर दी थी। उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय के फैसले के बाद फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह भी सस्पेंड कर दिए गए। इस पर बृजभूषण ने कहा था कि पहले दिन से इस मामले में राजनीति हो रही है, संजय सिंह भूमिहार है और मैं राजपूत हूँ, हम दोनों लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, राजनीति को लेकर इस पर बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कांग्रेस और कुछ गैंग शामिल थे, मैं कुश्ती के भरोसे इस जगह पर पहुंचा हूँ, मेरा घर अयोध्या में है, नंदिनी नगर में इसलिए तय हुआ क्योंकि और कहीं इतने कम दिन में तैयारी नहीं हो सकती थी, मैं कुश्ती को अलविदा कह चुका हूँ, मैंने 12 साल कुश्ती के लिए काम किया है, इस दौरान मैंने अच्छा किया या बुरा ये मूल्यांकन का विषय है। तो इस तरीके से यहाँ अपनी नाराजगी अगर देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पर जाहिर करते नजर आए हैं कि मैं अमित शाह जी से मिलूंगा जरूर, लेकिन कुश्ती और कुश्ती पर राजनीति के बारे में कतई बात नहीं करूंगा। तो इस रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, क्या यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होगा तो कौन होगा अध्यक्ष, क्या दोबारा से संजय सिंह ही इस पद पर बैठेंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।